हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं JOIT 965 एग्जाम बिफोर एग्जाम Day 3। Day 1 Day 2 के शानदार सेशन हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि वहां पर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। पर आज फिर से हम लोग Day 3 पर आ चुके हैं जहां बहुत सारे नए क्वेश्चंस आप लोग सीखने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये डैम श्योर है। एनालाइज करिएगा कि आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हैव अ लुक गाइस। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी इन्फॉर्म कर दें कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स एक ऐसा कोर्स जो हर एक एग्जाम में आपको मदद करेगा, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, गुरु बैच 2.0। आप चाहें तो इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। हर एक टॉपिक के प्योर कॉन्सेप्ट यानी पूरे कॉन्सेप्ट समझने के लिए और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जानने के लिए, साथ ही साथ मॉक टेस्ट, पीडीएफ, ये सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा अलोंग विद दी वीडियोस। कितनी वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स की? तो आंसर है 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन आप परचेज करेंगे उस दिन से लेकर 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में। कैसे आप इससे एनरोल हो सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और वहां से आप ऐप से कनेक्ट होंगे और एप्लीकेशन पर 965 कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद आप इस कोर्स से एनरोल हो जाएंगे। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। प्रीवियस सेशन में यानी Day 2 में हमने आपको दो क्वेश्चन दिए थे और कहा था कि उसके आंसर को बताइए, और आप लोग ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर बताए हैं। क्या थे ये क्वेश्चंस? विच डिफॉल्ट पोर्ट इज यूज्ड फॉर HTTPS? HTTPS के लिए जिस पोर्ट का इस्तेमाल होता है वो पोर्ट कौन सा है? एंड द आंसर इज 443। HTTPS क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड होता है। ये प्रोटोकॉल ऐसी प्रोटोकॉल है जो सिक्योरिटी के लिए यूज की जाती है। HTTP का यूज करते हैं, दैट इज पोर्ट नंबर 80, और HTTPS का यूज करते हैं, दैट इज पोर्ट नंबर 443। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इन द रिंग टोपोलॉजी डेटा कैन ट्रेवल इन विच डायरेक्शन? कह रहा है रिंग टोपोलॉजी में जो डेटा है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इन बोथ डायरेक्शन या नन ऑफ दीज? पर इसका करेक्ट आंसर था इन बोथ दी डायरेक्शन। रिंग टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो कर सकता है। टोकन की मदद से यहां पर मैसेज को क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। सो दी करेक्ट आंसर इन बोथ डायरेक्शन। आप कह रहे होंगे कि सर टोकन तो सिंगल डायरेक्शन में ही जा सकता है, ऐसा नहीं है। डुअल रिंग टोपोलॉजी भी होती है जिसमें बोथ डायरेक्शन में डेटा फ्लो कर सकता है, तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न्ड बाय द फंक्शन कन्वर्ट A2 इंच इनटू फीट वेयर A2 इज 30? बताइए, एमएस एक्सेल का ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट फंक्शन दिया हुआ है और आपसे कह रहे हैं इसका आंसर बताइए क्या आएगा, 33.52 या 2.5? कैसे करेंगे? इसका मतलब A2 की वैल्यू दी हुई है 30, ये इंचेस में है पर आपको फीट या फुट में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 इंच इज इक्वल्स टू हाउ मेनी फीट या हाउ मेनी फुट। अगर ये आपको पता होगा तो आप कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मतलब इंचेस को फीट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, बस ये याद रखने की रिक्वायरमेंट है। क्या करते हैं? 12 से डिवाइड। इसका मतलब 30 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा वही इसका आंसर बनेगा। 30 क्यों? कोई भी नंबर हो उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। हैव अ लुक। 1 फुट इज इक्वल्स टू 12 इंच, तो 1 इंच इज इक्वल्स टू 1/12, और 30 अगर होगा तो 30/12 यानी 2.5 हो जाएगा करेक्ट जवाब।
यानी अगर इंचेस दिया हो और फीट दिया हो तो आपको क्या करना है, 12 से डिवाइड कर देना है, दैट्स इट। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न्ड बाय द फॉर्मूला बाय द फंक्शन कन्वर्ट ए टू एफ टी इंटू इंचेस, यानी फीट इंटू इंचेस, वेयर ए टू इज 30। तो पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ये आपको समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। वहां पर इंचेस को आपको फीट में कन्वर्ट करना था और यहां पर फीट को इंचेस में कन्वर्ट करना है। यहां पर आप क्या कर रहे थे, 12 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहां पर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस 12 मल्टीप्लाई बाय 30, द आंसर इज 360। समझ में आया? तो अब इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए, पहला केस आपको क्या होगा ये समझना होगा कि आपको इंचेस से फीट में कन्वर्ट करना है या फिर फीट से इंचेस में कन्वर्ट करना है। ये दोनों केस समझ में आए। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट विल बी दी वैल्यू रिटर्न बाय दी फंक्शन कन्वर्ट 0 सी इंटू एफ, यानी सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अब एक ऐसा क्वेश्चन जहां पर आपको सी से एफ यानी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, और जो कन्वर्जन वैल्यू दी हुई है वो 0 है। सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, 0, 1.5, 22 या 32। तो आप कहेंगे सर पहले बता तो दीजिए कि इसको करेंगे कैसे, आइए एक बार देखते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या याद रखना है कि जो भी नंबर गिवेन उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 32 ऐड कर देंगे। तो इसको करने का जो टेक्निक है वो क्या है, इसको याद रखने की रिक्वायरमेंट है कि सेल्सियस मल्टीप्लाई 1.8 और पूरे को प्लस कर देंगे 32 के साथ में। तो इसका मतलब 0 इंटू 1.8 प्लस 32, तो 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और प्लस 32 करेंगे तो क्या आ गया, 32 विल बी दी राइट आंसर। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो करिए एक और क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। व्हाट विल बी दी वैल्यू रिटर्न बाई दी फंक्शन कन्वर्ट टू सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, सेम फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया है इसको अप्लाई करिए। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज 35.6। जो भी नंबर सेल्सियस के साथ दिया होगा, 2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से और प्लस कर देंगे 32, यानी 2 इंटू 1.8 क्या आ गया, 3.6 प्लस 32 मीन्स 35.6, दैट इज दी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? वेल डन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दी कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट सम फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल 2021। कह रहा है एक्सेल में सम फॉर्मूले को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताइए। आप जानते हैं इक्वल्स टू सम देन रेंज अगर लिखते हैं तो आप सम कर पाएंगे, लेकिन इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट इक्वल्स टू होती है। क्या होती है, ऑल्ट इक्वल्स टू। सिंपली आप नंबर लिखिए, फिर एक नेक्स्ट सेल में ऑल्ट इक्वल्स टू क्या करिए, टाइप करिए, यानी प्रेस करिए ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू, ऑटोमेटिकली वो सेल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी और सम आपके सामने आ जाएगा एंटर करने के बाद। ऑल्ट इक्वल्स टू याद रखने की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, विच सिंबल इज यूज टू स्पेसिफाई दी फिक्स्ड कॉलम और रो इन दी फॉर्मूला। कह रहा है एक्सेल में बताइए कि आपको कोई रो या कॉलम को फिक्स करना है तो किस सिंबल की मदद से कर सकते हैं, इक्वल्स टू एस्ट्रिक, डॉलर या परसेंटेज। और हम जानते हैं कि एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग में आता है फिक्स कॉलम या फिक्स रो, और इसे हम डिनोट करते हैं डॉलर सिंबल के थ्रू। सो दी करेक्ट आंसर इज डॉलर। कितने तरीके की सेल रेफरेंसिंग होती है ये भी याद रखने की बात है, एक एब्सोल्यूट, एक रिलेटिव और तीसरी होती है मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग, यानी देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग आर देयर, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। नेक्स्ट, विच फंक्शन इज यूज टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम द टेक्स्ट इन एमएस एक्सेल। कह रहा है एक्सेल में अगर कई सारे स्पेसेस लगे हुए हैं टेक्स्ट के साथ और उन स्पेसेस को रिमूव करना है,
तो कैसे कर सकते हैं? रिमूव फंक्शन के थ्रू, ट्रिम के थ्रू, ट्रंक के थ्रू या ऑल ऑफ दी अबव? एंड दी करेक्ट आंसर इज ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, जैसे कि देखिए मैंने आपको इमेज में दिखाया हुआ है, गूगल सर्च और स्पेस दी हुई है, फेसबुक स्पेस दी हुई है, इंस्टाग्राम के साथ स्पेस दी हुई है, तो इन सभी के स्पेसेस को इसने क्या किया, रिमूव कर दिया और एक साथ इनको अरेंज कर दिया। तो रिमूव दी अननेसेसरी स्पेसेस या एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करने के लिए एक्सेल में ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेट्स एज अ पार्ट ऑफ ब्राउजर। कह रहा है ब्राउजर में क्या चीज ऑटोमेटिकली लोडेड होती है, एडॉन्स, प्लगइन्स, यूटिलिटीज या विजेट्स? तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ब्राउजर में कई सारे एडॉन्स ऐड करने के लिए, कई सारे फीचर्स ऐड करने के लिए किसका यूज करते हैं, प्लगइन्स का यूज करते हैं। राइट, याद रखिएगा, दीज आर कॉल्ड प्लगइन्स विच मेक द ब्राउजर पावरफुल। नेक्स्ट, कंप्यूटर ग्राफिक्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। हम जानते हैं दो तरीके के कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं, एक तो रास्टर इमेजेस होती हैं और एक वेक्टर इमेजेस होती हैं। दोनों में अगर कंपेयर करें तो आप ये भी जानते हैं कि वेक्टर इमेजेस ज्यादा बेटर होती हैं रास्टर इमेजेस के कंपैरिजन में। आपको बताना है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स सबसे पहले किसने यूज किया, एंड द आंसर इज विलियम फेटर इन 1960 में विलियम फेटर के द्वारा कंप्यूटर ग्राफिक्स को बनाया गया और यूज किया गया। नेक्स्ट, बिट मैप इज अ कलेक्शन ऑफ डैश दैट डिस्क्राइब एन इमेज। बिट मैप किसका कलेक्शन है, पिक्सल्स, एल्गोरिथम, बिट्स या कलर्स का? बिट मैप इमेज हम जानते हैं, बिट मैप इमेज आपकी कैसी है, रास्टर इमेज होती है और रास्टर इमेजेस में पिक्सल्स होती हैं, तो इट मींस बिट मैप इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स। दैट इज द करेक्ट आंसर गाइस, क्लियर है? और पिक्सल में जब भी हम इसको जूम करेंगे तो क्या होगा, इमेज ब्लर होगी, जो हमने दिखाया भी है कि जूम करने पर हमेशा क्या होगी, इमेज ब्लर होगी, और ऐसी इमेज को हम बिट मैप या रास्टर इमेजेस की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट, द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री प्राइमरी आरजीबी कलर प्रोड्यूसेस। कह रहा है आरजीबी मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों कलर के इंटरसेक्शन से कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है, व्हाइट, ब्लैक, मैजेंटा या ब्लू कलर? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज व्हाइट कलर। कैसे, आप देख सकते हैं यहां पर जब आरजीबी कलर को इंटरसेक्ट किया जाता है तो यहां पर क्या प्रोड्यूस हुआ, व्हाइट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरसेक्शन ऑफ प्राइमरी सीएमवाई के कलर प्रोड्यूसेस, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। के का मतलब क्या है, ब्लैक। इन चारों के इंटरसेक्शन में कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है, व्हाइट, सियान, मैजेंटा या ब्लैक कलर? एंड द कलर आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज ब्लैक कलर। करेक्ट क्या होगा, ब्लैक कलर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आरजीबी के केस में व्हाइट कलर, जबकि सीएमवाई के केस में ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, आरजीबी मॉडल आर यूज्ड फॉर। अभी हम लोग ने देखा आरजीबी मॉडल, लेकिन इसका यूज करते कहां पर है, कंप्यूटर डिस्प्ले में, प्रिंटिंग में, पेंटिंग में या फिर नन ऑफ दीज? तो आरजीबी मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर डिस्प्ले मतलब मॉनिटर्स के केस। तो मॉनिटर हमेशा आरजीबी कलर सपोर्ट करता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज कंप्यूटर डिस्प्ले। नेक्स्ट, सीएमवाई के मॉडल्स आर यूज्ड फॉर। तो कह रहा है बताइए सीएमवाई के का इस्तेमाल किस पर्पस से करते हैं, कंप्यूटर डिस्प्ले, प्रिंटिंग, पेंटिंग या फिर नन ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज पेंटिंग पर्पस। बिल्कुल नहीं, द करेक्ट आंसर इज प्रिंटिंग पर्पस, यानी प्रिंटिंग के दौरान जो हम लोग कलर यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सीएमवाई के कलर मॉड्यूल
या CMYK के मॉडल बोला जाता है। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, इन SQL हैविंग इज यूज इन कंजंक्शन विद, क्या रहा है? SQL आप लोग ने पढ़ा होगा, सिलेक्ट फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाई, ग्रुप बाई, हैविंग, इनसे क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। और ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है कि SQL में हैविंग के साथ किसका यूज किया जाता है, वेयर का, ग्रुप बाय क्लॉज का, एग्रीगेट फंक्शन या सिलेक्ट? एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रुप बाय। तो SQL में हैविंग के साथ हम किसका यूज करते हैं? ग्रुप बाय क्लॉज का, जैसे कि आप यहां पर देख भी सकते हैं, ग्रुप बाय हैविंग है ना, इसका यूज एक साथ किया जाता है ज्यादातर केसेस में। तो इसको याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर कंट्री लाइक परसेंटेज ए, कह रहा है यहां पर बताइए कि जो एक टेबल है जिसमें आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर कंट्री लाइक परसेंटेज ए। परसेंटेज ए का मतलब होता है उन एम्प्लॉयज का डेटा फेच करिए डेटाबेस में जिनकी एंडिंग ए से हो रही है। ए बाद में लिखा है ना, स्टार्टिंग में परसेंटेज है, मींस पहले कुछ भी हो सकता है नाम में, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन लास्ट का जो लेटर है वो ए आना चाहिए, जैसे ए आर ओ आर ए, तो लास्ट में क्या है? ए है। तो ऐसे नेम्स पिक करिए, तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? रिटर्न ऑल द एम्प्लॉयज विद एन एम्प्लॉय नेम दैट एंड्स विद अ लेटर ए। समझ में आया? तो अगर परसेंटेज के साथ में बाद में ए लगा होगा तो इसका मतलब बाद में एंड होना चाहिए ए, नेम के लास्ट में। और पहले अगर ए लगा देंगे परसेंटेज के, तो मींस स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए। तो ऐसा नाम जिसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? ए से। तो इसका मतलब परसेंटेज ये डिसाइड कर रहा है कि आपको बाद वाला पिक करना है, लास्ट करेक्टर या फर्स्ट करेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट, द सी सोर्स फाइल इज प्रोसेस्ड बाई दी, क्या रहा है? सी लैंग्वेज में बताइए कि जो फाइल होती है उसको प्रोसेस कौन करता है? आसान है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, बोथ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर या असेंबलर? एंड द आंसर इज कंपाइलर। सी में किसका यूज होता है? ट्रांसलेटर का। एंड द आंसर इज कंपाइलर का यूज होता है। ये क्या करता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है या सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये करने का काम किसका है? कंपाइलर का। नेक्स्ट, हाउ मेनी वाइट स्पेस कैरेक्टर्स आर अलाउड इन सी लैंग्वेज, ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था JOIT 1000 पोस्ट कोड वाले एग्जाम में कि कितने वाइट स्पेस कैरेक्टर सपोर्ट होते हैं मुझे बताइए सी में, और वो कौन कौन से होते हैं ये भी बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज 5 वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। और ये वाइट स्पेस कैरेक्टर्स जो 5 है वो कौन कौन से हैं? स्पेस है, हॉरिजॉन्टल टैब है, वर्टिकल टैब है, फॉर्म फील्ड है और न्यू लाइन है। तो ये 5 तरीके के वाइट स्पेस कैरेक्टर का इस्तेमाल होता है किसमें? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर, कह रहे हैं कितने तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? 3, 8, 7 या 6, क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को ब्रॉडली 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जो बैचेस में काम करती है, मल्टी टास्किंग मतलब एक साथ कई सारे टास्क को प्रोसेस किया जा रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब कई सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना, रियल टाइम मतलब सेम समय में, जैसे रोबोटिक्स रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज्यादातर सर्वर के केस में देखा जाता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में जो रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट को नेटवर्क, और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड, सिम्बियन है ना, ऐसे बहुत सारे, iOS, दीज आर दी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। क्लियर है?
नेक्स्ट, नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे उम्मीद है इसका आंसर तो आप गलत नहीं करेंगे। लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? रेड वेलवेट केक, मॉन्टेरी पाई या टिरामिसू? और आप जानते हैं 15 अगस्त 2022, 15 अगस्त है ना 2022 को नया वर्जन लॉन्च हो चुका है और इसका नाम क्या है? टिरामिसू है, टिरामिसू कह सकते हैं, दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो इनिशियल रिलीज ऑन द 15 अगस्त दैट इज कॉल्ड टिरामिसू है ना। ये स्वीडिश है और एंड्रॉयड के जितने भी वर्जन हैं वो सब स्वीट डिशेस पर बेस्ड है, डेजर्ट्स कहते हैं इनको। और इसका नाम भी याद रखिएगा, नंबर इसका क्या है? एंड्रॉइड 13, ये 13th वर्जन है, इसे एंड्रॉइड 13 का नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड टिरामिसू। इसके पहले वाला कौन सा था? रेड वेलवेट केक था? नहीं, इसके पहले था स्नो कोन है ना, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं तो पी क्यू आर एस टी, स्नो कोन था और अब हो चुका है टिरामिसू है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चंस हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वेयर इज द वर्ड काउंट शोन इन द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में वर्ड काउंट कहां पर शो होता है? रिबन में, टास्क बार में, स्टेटस बार में या मेन्यू बार में? बताइएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, विच कमांड इज यूज टू ओपन पावर पॉइंट डायरेक्टली इफ इंस्टॉल्ड फ्रॉम द रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है पावर पॉइंट की फाइल को ओपन करने के लिए एक कमांड यूज होता है, वो कमांड क्या है? पावर पॉइंट, पावर पीएनटी, पीपीटी या पीपीटीएक्स? क्या होगा करेक्ट जवाब इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर? आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि सेशन आपको समझ में आया। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूँ। बाकी अगर आप एप्लीकेशन से कनेक्ट होते हैं या कोर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को एक बार जरूर इंस्टॉल करिएगा, प्ले स्टोर पर जाकर या iOS स्टोर पर जाकर टाइप करिएगा अरोड़ा एजुकेटर और वहां पे इस पार्टिकुलर एप्लीकेशन से आप कनेक्ट हो जाइएगा। फिर आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं JYT 965, जहां मॉक टेस्ट, PDF, सारी वीडियोस बेहतरीन तरीके से आपको मिलने वाली है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का भी बहुत ध्यान रखिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।